Dear students, recently we have done exercise 2.4. Now we are going to start exercise 2.5. Linear equation in one variable. Our first question is, show the following linear equation. देखिए 2.1, 2.2 and 2.3 एज ए सेम है, तो 2.5 जो है वो भी इसके सेम ही है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. By solving linear equation, first of all solve the variables. Okay. Now transposing method. X upon 2 minus x upon 5 and separate the coefficient 1 upon 4 plus 1 upon 5. Okay. Now take LCM of 2 and 5, that is 10. 10 divide by 2 5 times, multiply x 5x minus 10 divide by 5 2 times, multiply x 2x is equal to LCM of 4 and 5, 20. Divide by 4, 5 times, multiply 1, 5, plus 20 divide by 5, 4 times, multiply 1, 4. 5x minus 2x, 3x upon 10 is equal to 5 plus 4, 9 upon 20. 1 time, then cross multiply 3x into 20, 60x is equal to 10 into 9, 90. Now x is equal to 90, transpose 60, then it will be in divide. X is equal to 0, 0 cancel out, 3, 3 is 9 and 3, 2 is 6. Then x is equal to 3 upon 2 is your answer. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो एज ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको एज ए होमवर्क. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2. देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको आपको सेपरेट कर लेना है, वेरिएबल्स वन साइड एंड कॉन्स्टेंट अदर साइड. देन x माइनस 8x अपॉन 3, देखिए नेगेटिव था तो ट्रांसपोजिंग में ये पॉजिटिव हो गया. एंड हेयर 17 अपॉन 6 माइनस 7 अपॉन 1. ओके, नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 1, 3 एंड 2, दैट इज 6. 6 डिवाइड बाय 1 6 टाइम, मल्टीप्लाई x 6x माइनस 6 डिवाइड बाय 3 2 टाइम, मल्टीप्लाई 8x 16x प्लस 6 डिवाइड बाय 2 3 टाइम, मल्टीप्लाई 5x 15x इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 6 एंड 1 6. 6 डिवाइड बाय 6 1, मल्टीप्लाई 17 17 माइनस 6 डिवाइड बाय 1 6 टाइम, मल्टीप्लाई 7 42. नाउ 6x प्लस 15x 21x माइनस 16x अपॉन 6 इज इक्वल टू 17 माइनस 42. देखिए 17 से तो 42 माइनस होने वाला नहीं है, तो यह आएगा माइनस 12 माइनस 7 5 एंड 3 माइनस 1 2 अपॉन 6. ओके, 21x माइनस 16x दैट इज 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 6. डिनोमिनेटर सेम, देन कैंसिल आउट 5x इज इक्वल टू माइनस 25 एंड x इज इक्वल टू माइनस 25 डिवाइड बाय 5, देन वैल्यू ऑफ x बी माइनस 5. ओके, लिसन, x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5. 1 टाइम, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5 एंड 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3. 5 इंटू x 5x एंड 5 मल्टीप्लाई 5 25. 3 इंटू x 3x एंड 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9. नाउ ट्रांसपोज द वेरिएबल्स 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 एंड माइनस 25 विल बी पॉजिटिव. 3x माइनस 5x माइनस 3x 2x एंड 25 माइनस 9 16. देन x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 16 डिवाइड बाय 2 8, दैट इज योर आंसर. लिसन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू
टू अपॉन थ्री माइनस टी। देखिए आप इसमें मिस्टेक कर देते हो या इस माइनस की वजह से, तो आप क्या करोगे, पहले जो है इसको ब्रेकेट में यूज़ कर लोगे, ओके, क्योंकि यहाँ पर कितने टर्म आ जाएंगे, ऊपर टू टर्म आ जाएंगे, और आपको पता है अगर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज होने वाले हैं, इसलिए अगर हम इसको ब्रेकेट में यूज़ करेंगे तो हमारी मिस्टेक नहीं होगी और यहाँ हम वन राइट कर लेंगे। ओके, नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम ऑफ फोर एंड थ्री, 12 डिवाइड बाय 4 थ्री टाइम, देन 3 माइनस 2 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 4 टाइम, तो 4 को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2t प्लस 3। एलसीएम 3 डिवाइड बाय 3 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 1 3 टाइम मल्टीप्लाई t 3t। ओके, नाउ 3 इंटू 3t 90, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 4 इंटू 2t माइनस 8t एंड माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। ओके, नाउ 90 माइनस 8t टी माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। वन वन टाइम नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3t माइनस 18 एंड 12 2 माइनस 3t। ओके, 3 इंटू टी 3t, 3 इंटू माइनस 18 माइनस 54, 12 इंटू 2 24 एंड 12 इंटू माइनस 3t माइनस 36t। नाउ सेपरेट दी वेरिएबल्स, 3t प्लस 36t इज इक्वल टू 24 प्लस 54, 3t प्लस 36t 3090 इज इक्वल टू 24 प्लस 54 78। ओके, देन t इज इक्वल टू 78 अपॉन 39, वैल्यू ऑफ t विल बी 2। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, m minus 1 upon 2 is equal to 1 minus m minus 2 upon 3। देखिए पहले ही बता रहे हैं आप मिस्टेक कहाँ करते हो, आप मिस्टेक यहीं करते हो, आप इसको ब्रेकेट में यूज नहीं करते। आप चाहे करके देख लेना, अगर आप इसको ब्रेकेट में यूज नहीं करोगे तो आपका 100% जो है क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला है। तो आप क्या करोगे, पहले इनको ब्रेकेट में यूज कर लोगे। ओके, ये लीजिए, अब आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट होगा। ओके, यहाँ देखिए आप एलसीएम आएगा कितना आपका, 2 डिवाइड बाय 1 2 टाइम मल्टीप्लाई 2m 2m माइनस 2 डिवाइड बाय 2 1 मल्टीप्लाई m माइनस 1, तो ये सेम रहेगा m माइनस 1। एलसीएम 3 डिवाइड बाय 1 3 टाइम मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 1 मल्टीप्लाई m माइनस 2, सेम m माइनस 2। 2m माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इसलिए आपका रॉन्ग होने वाला था क्योंकि अगर आप इसको ब्रैकेट में यूज़ नहीं करते तो आपका यहाँ से आंसर क्या था, एम माइनस वन, और हमारा क्या रहा, माइनस एम प्लस एम अपॉन टू। 3 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस अपॉन 3। ओके, 2m माइनस एम एम प्लस 1 अपॉन 2, 3 प्लस 2 5 माइनस एम अपॉन 3। नाउ वन वन टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई एम प्लस 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस एम, 3m एंड 3 मल्टीप्लाई 1 3, 2 5 जा 10 एंड 2 मल्टीप्लाई एम 2m। नाउ सेपरेट द वेरिएबल्स, 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 3m प्लस 2m 5m एंड 10 माइनस 3 7, देन m इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 5, दैट इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब देखिए एक्सरसाइज 2.6 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1-5 जो हैं वो क्या हैं, सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। उनके जो सारे क्वेश्चन हैं 1-5 वो होने वाले हैं आपके क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखिए जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और लीनियर इक्वेशन बनते ही आप वेरिएबल को सेपरेट करके वहाँ से एक्स या फिर वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए एज ए होमवर्क है। ओके, देखिए द एजेस ऑफ
Harry and Harry are in the ratio 5:4. Harry और Harry है उनकी एज का रेशियो है 5:7. देखिए रेशियो की बात जब भी आएगी हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करके उसको एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे. चलिए पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, बाकी का जो क्वेश्चन है उसको हम बाद में देखते हैं. ओके, लेट हैरीज प्रेजेंट एज, हैरीज प्रेजेंट एज कितना रेशियो 5, देन 5x, एंड हैरीज प्रेजेंट एज, हैरीज प्रेजेंट एज रेशियो 7, देन 7x. अब देखिए 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 3:4. देखिए अब से 4 year बाद की बात करें तो पहले हम वही कर लेते हैं, 4 years फ्रॉम नाउ या आफ्टर 4 year द हैरीज एज, हैरीज एज विल बी 5x+4 एंड हैरीज एज 7x+4. अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं, पहले हम इसका रेशियो फाइंड करते हैं कितना आ जाएगा, 5x+4 अपॉन 7x+4, ये हो गया उनका रेशियो. अब देखिए हम तो क्या करें, आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 5x+4 अपॉन 7x+4, लेकिन क्वेश्चन में पहले से बता रहे हैं कि रेशियो कितना हो जाएगा 3:4. अब देखिए हम इसकी बात को भी गलत नहीं कर सकते और अपनी बात तो वैसे ही सही है, तो अपन क्या करेंगे इसकी बात को भी क्या करेंगे, इसका रेशियो जो है उसको अपने रेशियो के इक्वल कर देंगे. नाउ 1 1 टाइम देन क्रॉस मल्टीप्लाई 5x+4 एंड 3 7x+4. ओके, 5 × 4x 20x + 4 × 4 16, 3 × 7x 21x + 3 × 4 12. ओके, नाउ सेपरेट दी वेरिएबल्स, ट्रांसपोज 20x देन 21x - 20x. ओके, एंड 16 - 12, 21x - 20x x एंड 16 - 12 दैट इज 4. ओके, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नाउ हैरीज परसेंटेज 5x देन 5 × 4 दैट इज 20 year एंड हैरीज परसेंटेज 7x मीन्स 7 एंड वैल्यू ऑफ x 4, 7 × 4 = 28 year. ओके, इस तरह से आपका जो हैरी है उसकी परसेंटेज 20 year हो जाएगी और हैरी है उसकी परसेंटेज 28 year हो जाएगी. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. देखिए क्या करें, आपके पास एक रेशनल नंबर है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो इसकी न्यूमरेटर से क्या है, 8 ग्रेटर है. ओके, अब देखिए कंपेयर यहाँ किसे करें, कंपेयर हम यहाँ कर रहे हैं न्यूमरेटर से, तो जिससे कंपेयर करेंगे हमेशा उसी को हम वेरिएबल लेट करेंगे. ओके, देन लेट न्यूमरेटर बी एक्स. अब देखिए न्यूमरेटर आपने एक्स लेट कर लिया है, तो जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, 8 ग्रेटर था, देन डिनोमिनेटर बी एक्स प्लस 8. फिर आगे देखिए, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17. अब अगर आप न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज करते हो एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 और डिनोमिनेटर को 1 डिक्रीज करोगे, द नंबर ऑब्टेंड इज 3/2, तब जो आपको नंबर मिलेगा वो कितना है, 3/2, देन फाइंड द रेशनल नंबर. ओके, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहे हो आप कर रहे हो यहाँ न्यूमरेटर में आप 17 प्लस कर रहे हो, तो न्यूमरेटर आपका x था, तो इसमें 17 प्लस करने से कितना हुआ, x+17. अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर हमारा था x+8. ओके, हमें क्या करना है, इसमें डिक्रीज बाय 1, इसको 1 डिक्रीज करना है और जो नंबर फाइनली हमें मिलता है वो कितना है, 3/2, देन इज इक्वल टू 3/2. नाउ सॉल्व x+17 एंड x 8 - 1 7 इज इक्वल टू 3/2. नाउ देर आर 1 1 टाइम, सो क्रॉस मल्टीप्लाई देन 2 × x+17 एंड 3 × x+7, 2 × x 2x + 2 × 17 34, 3 × x
3x and 3 into 7, 21. Now separate the variables. 3x minus 2x. 3x, देखिए 2x को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, देन माइनस 2x हेयर 34 एंड ट्रांसपोज 21, देन इट विल बी नेगेटिव. 3x माइनस 2x, x एंड 34 माइनस 21, 4 माइनस 1, 3 एंड 3 माइनस 2, 1, देन x इज इक्वल टू 13. देखिए x की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, लेकिन आपको क्वेश्चन को यहीं पे ड्रॉप नहीं करना है. आगे देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेशनल नंबर. तो आपका जो रेशनल नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है. देखिए न्यूमरेटर कितना था इसका x, और x कितना है हमारा 13, और डिनोमिनेटर की बात करते हैं वो कितना है x प्लस 8, देन 13 प्लस 8 ये हो जाएगा आपका 21. दैट इज योर रेशनल नंबर.